यू चाहिए उसके लिए, बेसिकली ये चीज़ है। मुझे इस लेकिन ये कंपोनेंट है ना इसमें, फॉर्म फील्ड्स। ओके जस्ट 1 मिनट। फॉर्म डाटा, ये फॉर्म डाटा है, इसको बेसिकली अच्छा, अब ये रजिस्टर है। ये अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसकी ये चीज़ें डायरेक्ट इसमें पास कर दूँ तो वो ज़रा आसान नहीं हो जाएगा? और हाँ जी, अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। ओके, अभी के लिए इसमें ना सिंपल काम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, फिर बाद में मैं इस चीज़ को थोड़ा बहुत रिसर्च करके आपके साथ शेयर कर दूंगा कि इसका क्या है, क्योंकि अभी ये दो टाइप हो गई हैं। मसला ये हो रहा है कि ये दो टाइप डिफरेंट
टाइप्स हैं, और उनमें जैसे ये नेम है ये इसमें अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से अगर ये दोनों में अवेलेबल होता तो उसने उस तरफ से इससे इशू नहीं था होना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नेम इसमें भी ऐड कर दूँ और अब अगर देखूँ तो वो कंफर्मेशन पे चला जाएगा, और ये कंफर्मेशन भी अगर इसमें ऐड कर दूँ तो ये आपके सामने ये ठीक हो गया कि ओके ये दोनों चीज़ें दोनों में हैं, तो इस वजह से उसको मसला नहीं। लेकिन जब वो डाटा अवेलेबल नहीं है तो तब उसे मसला हो रहा है। तो अब इसको जो इटसेल्फ और जेनेरिक करने वाला जो काम है उस पर मैं थोड़ी सी रिसर्च करके इन इस सीरीज़ में बेसिकली जब इसका सोल्यूशन आएगा मेरे जहन में, तो मैं इस सीरीज़ के एंड पे वीडियो ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को उससे फ़ायदा हो। अभी के लिए इसको थोड़ा लेस जेनेरिक कर लेते हैं ताकि चलें एटलीस्ट अभी काम चल जाए हमारा। वो ये हो जाएगा कि हमें यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसकी, वैल्यू जो कि वैल्यू को स्ट्रिंग चाहिए, नंबर चाहिए, यहाँ पर ये चाहिए स्ट्रिंग और नंबर, सॉरी वैल्यू, उसके बाद एरर, एरर में मसला आ रहा है। एरर इसमें बेसिकली हम सिंपली इसको एरर मैसेज जो कि अगर हुआ तो स्ट्रिंग होगा और इज टच्ड जो कि अगर हुआ तो बूलियन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कर दूंगा एरर मैसेज और इज टच्ड। ओके, ये चीज़ होगी, यहाँ से ये चीज़ें रिमूव हो जाएंगी और यहाँ पे बेसिकली अब मुझे इसमें सेंड करना पड़ेगा इन वैल्यूज को, वैल्यू जो के हो जाएगी यहाँ से आएगी वैल्यूज। ओके, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यूज और उसमें इनपुट फील्ड, यहाँ पे बेसिकली इस वजह से वैलिड है क्योंकि इसको फॉर्म का टाइप का सबका पता है इस वजह से। ओके, इसको इंशाल्लाह मैं और कोशिश करूँगा बेहतर करके आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को और ज़्यादा फायदा हो। इसकी अभी मेरे जहन में जो आ रहा है वो कंडीशनल टाइपिंग कॉन्सेप्ट है टाइपस्क्रिप्ट में एक, उसका अभी करंटली मेरे जहन में एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है, तो इस वजह से मैं अभी उस तरफ नहीं जाऊँगा ताकि आप लोगों का टाइम और वेस्ट ना हो। और अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ और बाद में कंडीशनल टाइपिंग उसको मैं एक दफ़ा टेस्ट खुद करके इम्प्लीमेंट करके तो फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अभी के लिए खैर इतना ज़्यादा नहीं हुआ मीन के बुरा, लेकिन अगर ये भी ना हो सकता इससे बेहतर हो सकता तो ज़्यादा बेहतर था। खैर सॉरी फॉर दैट। ओके, लेकिन एटलीस्ट ओके ये क्या हो गया कि यहाँ पे एरर मैसेजेस नहीं आए, इसको हम कंसोल डॉट लॉग, सॉरी और सॉरी ये मैंने बेसिकली लॉगिन फॉर्म में किया, मुझे ये रजिस्टर में भी करना है, इसको ज़रूरत नहीं है इसकी। इधर आऊँगा वापस और इस चीज़ को मैं ना वो कर रहा हूँ, रिक्वायर कर रहा हूँ अल्टरनेटिव वैल्यू प्रोवाइड करें क्योंकि ऐसे जो है ये एरर नहीं दे रहा उसकी वजह से ये मसला हो रहा है। अनडिफाइन हो सकती है तो सिंपल अनडिफाइन कह दो स्ट्रिंग और सिंपल, ताकि एटलीस्ट ये मेन के ना चीज़ हो सही एरर्स में ये चीज़। ओके, अगर नहीं है तो अनडिफाइन, ओके ये बेहतर है। इस तरह ये कम से कम एरर प्रोवाइड करेगा तो उसका
थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेम है और बस एक ही चीज़ डिफरेंट हुई है, जो कि एक तो ये है और दूसरा ये जो है ये रजिस्टर एंड आपकी लॉग इन फॉर्म, दैट्स इट। और अब रिफ्रेश करेंगे, एरर वगैरह सारे वापस आ गए और जो बाइंडिंग थी वो भी सही हो गई। इसको एक तो दैट्स इट, ओके। इसमें एक चीज नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं ना, इसमें एक चीज नेक्स्ट ट्राई करते हैं, वो ये है कि जब ये पासवर्ड की फील्ड हो तो यहाँ पे आई आइकॉन अटैच कर देते हैं, जिसके क्लिक पे इसकी टाइप चेंज करके हम टेक्स्ट कर दें कुछ देर के लिए, ताकि यूजर एटलीस्ट देख सके क्योंकि उसने क्या एंटर किया। ये नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आएगा यार इस फंक्शनैलिटी को कवर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इस चीज को देखेंगे, ये जो आइकॉन है इसको, ये स्लॉट जहाँ पे भी इसने लगाया हुआ है, दैट्स इट। यहाँ से देख लेंगे स्लॉट दिस एंड दैट, PR3 फील्ड प्लेसमेंट, ये सर्च डॉक्स दिस एंड दैट। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसमें आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको पेस्ट कर रहा हूँ ताकि देख सकें कि ओके क्या हुआ, क्या रूट स्टार्ट हुआ है, रूट एंड हुआ है उसके अंदर। ये रूट स्टार्ट हुआ है और ये रूट एंड हुआ है उसके अंदर। ये जो भी है ये आइकॉन्स के लिए, मैंने आइकॉन सेट किए थे रेडिक्स यूआई के, रेडिक्स यूआई आइकॉन्स, रेडिक्स यूआई के आइकॉन्स हैं आई थिंक, मैंने ऐड किए थे, मैं डिजाइन से निकल गया। इसमें आई का आइकॉन है, आई मेरे ख्याल से शायद नहीं, और इन्होंने सर्च भी नहीं दी हुई, ये भी बहुत अच्छा है इनका। चलें कोई मसला नहीं, वो है आई, ओके दैट्स इट, यही चाहिए हमें। ओके इसको बस इंस्टॉल कर लो, अगर नहीं है तो है भी है तो कोई नहीं, एक दफ़ा इंस्टॉल कर लो। ओके ये पहले ही था, डन है। यहाँ पे अब मुझे आई का आइकॉन चाहिए, तो आई के आइकॉन को मैं यहाँ से देख लूँगा इसका क्या सीन है। आई ओपन SVG कॉपीड, ओके ये तो नहीं मुझे चाहिए, मुझे लेट्स सी, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ दिस एंड दैट एट रेडिक्स यू आई, आइकॉन्स कहाँ पे हैं, ये आई है बस, ये मुझे चाहिए, दैट्स इट। और क्या रिजल्ट आया, ओके लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे दूसरी साइड पे चाहिए, क्या मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। ओके लेकिन इसमें मुझे कुछ नहीं शो करवाना, ये क्या कह रहा है, बस ठीक है। क्या मैं इसकी ये कम कर सकता हूँ, बस ठीक है, अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो वो गायब हो जाता है। वो इधर आ जाता है, क्या मैं सिर्फ और सिर्फ इस साइड पे नहीं कर सकता इसके आइकॉन को, मेरे ख्याल से शायद नहीं कर सकता, ट्राई कर लेते हैं, साइड राइट, ओके कर सकता हूँ, दैट्स ग्रेट। ओके तो हमने ये आइकॉन शो करवाना है, इफ टाइप, टाइप है डबल इक्वल टू फॉर्म फील्ड्स टाइप डॉट पासवर्ड, अगर ये है तो फिर इसको करो अदरवाइज नल कर दो, ये चीज़ पासवर्ड में आ गए। और अब यहाँ पे लोकल स्टेटिक मैनेज कर लेते हैं, सिंपलेस्ट काम करना है, ताकि बाकी जो इम्पो अगर ज़्यादा बेहतर करना होगा तो बाद में कर सकते हैं हम।
यूज स्टेट अभी के लिए खत्म करने के लिए, ताकि शो पासवर्ड या फिर ठीक है फॉल्स, और इसको मैं यहाँ पे सेव भी कर लूँगा, सॉरी बुलियन, और ये दैट्स इट। और लेट्स से के मुझे आई क्लोज्ड भी चाहिए या आई ओपन है, और आई क्लोज्ड ये, और यहाँ पे अब मुझे आई क्लोज्ड चाहिए, दैट्स इट। और ये रिपीटेड भी किसी तरह ख़त्म होना चाहिए, इसको भी देख लेते हैं अभी, लेकिन अभी के लिए पहले इसको ख़त्म कर लें। डॉट शो पासवर्ड, अगर ये है तो दिस, और अगर नहीं है तो दिस। डन, अभी क्योंकि पासवर्ड है ये, और इस बटन पे ऑन क्लिक पे चेंज शो पासवर्ड स्टेट, ओके कॉन्स्ट दिस दैट ये, और यहाँ पर ये काफ़ी सिंपल है, ओल्ड स्टेट जो पहली स्टेट हो, सॉरी जो पहले स्टेट हो उसको यहाँ पे ये कर दो, और शो पासवर्ड को वो कर दो जो ओल्ड स्टेट में शो पासवर्ड है। और यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ डिफरेंट होगी, वो ये कि जब ये शो पासवर्ड डॉट शो पासवर्ड है तो इसकी फॉर्म टाइप डॉट टेक्स कर दो, अदरवाइज टाइप ही रहने दो, दैट्स इट। और ये ना शो हाइड, शो हाइड ये काफ़ी आसान था। खैर आज के लिए इतना ही, और आई थिंक हमने इसको उधर भी कॉपी कर लिया हुआ है जी। ओह नॉट बैड, चले इसका खैर मेरे जहन से निकल गया था कि हमने यहाँ पे भी कॉपी कर लिया। ओके तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बैकएंड एपीआई को देख रहे होंगे, ताकि हम एक्चुअल रिक्वेस्ट कर सकें और जो है रजिस्टर और लॉगिन वाला काम कर सकें। जो हमारा बाकी जो फ्रंट एंड पे और स्टेट था वो हम पहले ही लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी अभी तक तो उसको देख के आप उसे सीख सकते हैं, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि लॉग गार्ड ऐसे कैसे ऐड करना है, ऑथेंटिकेशन, राउटिंग, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हुए हैं। ओके तो यही आज की वीडियो के लिए काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा इसको हम कमिट कर लेते हैं। रजिस्टर एंड लॉग इन यूआई क्रिएटेड, नेक्स्ट नीड टू ऐड द लॉजिक फॉर दिस इन बैक एंड एंड कनेक्ट विद एपीआई, और दैट्स इट। ओके ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आज की वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को सीखा, जिसमें कि बेसिकली हमने स्टैटिक्स यूआई के साथ एक यूआई बनाई, बेसिक यूआई, लेकिन एटलीस्ट नीट यूआई। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बैकएंड को कवर करेंगे, बैकएंड में लारावेल में जो लॉगिन और रजिस्टर के कंट्रोलर बनाएंगे, हम मैनुअल कस्टम कंट्रोलर बना लेंगे, कोई पैकेज वगैरह उसके लिए यूज़ नहीं करेंगे, ताकि हम काम को जल्दी फाइनलाइज कर सकें। और उसके बाद उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग फीचर्स हैं उनको कवर करेंगे। वंस अगेन इस कोर्स को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और कॉन्टेक्ट लिस्ट में सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स से फ़ायदा हासिल कर सकें। कोर्स में कोई भी चीज़ अगर मिसिंग है या अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, उसकी पॉपुलैरिटी की बेस पे उसको कंसिडर किया जाएगा और इंशाल्लाह ऐड भी किया जाएगा। वंस अगेन मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.